हो गई ना, तभी तो चाय पिएगी बेटे, अभी लाई मैं। ये बड़े बाबू की नौकरी भी नाक में दम किए हुए। अब क्या हुआ? रोना क्या था, रोज ढेर सारी फाइलें मेरी मेज पे, बाकी सब दाइश करते हैं। चाय पियेंगे? नहीं, सीधा खाना ही खाऊंगा। अच्छा। रेवती बेटे कैसे हो? ठीक हूँ पिताजी। सुरेश कहाँ? न जाने सुबह से निकल गया है, कह के तो जाता है नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। आज बहू दफ्तर से जल्दी आई थी, अंदर है, आराम कर रही हूँ। देखता नहीं बेटे, अभी ऑफिस से चला रहा हूँ, रेवती से सीख ले। बाबूजी अब भूल जाते हैं, मैं अब दसवीं में पढ़ रहा हूँ, दीदी ने तो सिर्फ नवीं तक की पढ़ाई की है। चाय पी ली बेटे? ला कप मुझे दे दे। बस खाने के लिए क्या बनाना है आप बता दो। बस मैंने सब्जी काट के रखी है। अच्छा माँ, कुछ काम हो तो मुझे यहीं दे दो। पगली कहीं की, तू आराम कर। आराम कर करके भी कोफ्त होती है, कितने दिनों तक आराम करूंगी बेटे? एक दो दिन डॉक्टर से मिल रहा हूँ, एक फिर सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भाभी आप मुझे जरा ये सम समझा देंगे? अभी नहीं, अभी मेरे पास वक्त नहीं भाई, जोरों की भूख लगी हुई, जल्दी खाना बनाओ। अच्छा मैं अभी आई। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कितने रोज रहा ये बुखार? बुखार 3 दिन आया था। लेकिन हुआ क्या है? इस पर पोलियोमायलाइटिस का अटैक हुआ है, इस उम्र में होना काफी रेयर है पर हो सकता है। पर इससे क्या होता है? इससे पैरों में कमजोरी आती है और चलने की शक्ति चली जाती है। नहीं, अरे सुनते हाँ
जरा उठाई। क्या हो गया? अरे बेटा क्या हो गया, कैसे गिर गई? नहीं बच्चे, नहीं मेरे बच्चे। नहीं नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, हम तुम्हारा ऑपरेशन करवाएंगे। ये हर कुछ दिन बाद तुम्हें क्या हो जाता है रिद्धि? सबको तकलीफ होती है। कुछ नहीं हुआ माँ, आप जाइए रसोई घर में, पिताजी और बबलू तो बैठे ही हैं और फिर इनके भी आने का वक्त हो गया है, चलिए। नहीं 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 मेरे बेटे, नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटे, सब ठीक हो जाएगा। मत रो दीदी, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा दीदी। आज बड़ी जम के भूख लगी है, मजा आएगा। सुरेश, नौकरी की कुछ बात बनी? नहीं पिताजी, आज वो जरा दोस्तों ने पकड़ लिया था सो क्रिकेट मैच देखने चले गए, सो कहीं जा नहीं पाया। बेकार में छोड़ दी वो पिछली नौकरी तुमने। पिताजी 16 घंटे का काम, तनख्वाह सिर्फ 1200, मैं तो तंग आ गया। बहू, बबलू खाने पे नहीं आया? नहीं पिताजी, उसने खाना खा लिया। रेवती, ये लो खाना। पिताजी, मैं काफी दिनों से आपसे एक बात कहना चाहता था। मैं आजकल कुछ घर देख रहा हूँ। घर? हाँ पिताजी, नीमा का दफ्तर यहाँ से बहुत दूर पड़ता है ना, तो हम सोच रहे थे कि उसी तरफ कोई छोटा सा घर मिल जाता दो लोगों के लिए। अच्छा, तो तू अलग रहना चाहता है? हाँ माँ, रेवती की जिम्मेदारी है आप पर और मेरे पास भी अभी कुछ काम नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है ना यहाँ रहकर, बल्कि बोझ बढ़ता है आप पर। माँ, रेवती के लिए थोड़ी दाल चाहिए। सब सुख भोग परम पद पावे, ब्रज मोहन शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। जय जगदम्ब, जय जय भवानी, जय जय दुर्गे, जय जय भवानी, जय जगदम्ब, जय जय भवानी, जय जय दुर्गे, जय जय भवानी, जय जगदम्ब, जय जय भवानी, जय जय दुर्गे, जय जय भवानी, जय जय दुर्गे, जय जय भवानी, जय जगदम्ब, जय जय भवानी। सुरेश ने तो बहुत बड़ा फैसला तुम्हें लिया। बच्चे हैं, यही तो उम्र है, जो मनमानी करना चाहे करे। रेवती की हालत और बबलू भी तो अभी छोटा है, और फिर रेवती की जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी तो हमारी है, वो लोग अपनी जवानी क्यों खराब करें? जिंदगी का क्या भरोसा, कल को मैं न रहा तो? क्या कह रहे हैं आप? तो कौन देखभाल करेगा रेवती की, कौन पूछेगा उसे? आप चिंता मत करें, वो जो बैठा है ना ऊपर, उसे आपकी रखवाली करता है। परसों मेरा भाई आया था, उसने चलाई है इसके रिश्ते की बात कही। घर अच्छा है लेकिन इस हालत में? वो कहता था लड़का बड़ा समझदार है, और आखिर हमारी रेवती भी तो देखने में लाखों में एक है। आप चिंता मत कीजिएगा, इसकी शादी जरूर होगी। यही रास्ता है। भाई साहब, ऐसा है कि लड़की वालों को मैंने थोड़ा बहुत रेवती के बारे में बता तो दिया है, लड़का बात को समझता है, काफी पैसे वाले लोग हैं, और फिर भाई साहब अगर रेवती बिटिया की शादी यहाँ हो गई तो बहुत सुखी रहेगी। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी लड़का रेवती को देखने के लिए राजी कैसे हो गया? वो रेवती बिटिया की फोटो दिखाई थी मैंने, और ऐसा है भाई साहब कि थोड़ा बहुत डिफेक्ट तो लड़के में भी है, यानी उसका एक पांव दूसरे पांव से जरा छोटा है जन्म से ही। अरे बेटे,
इस सब की क्या जरूरत थी? क्या करते हैं आप बेटे? दसवीं में पढ़ता हूँ। और आप क्या करते हैं बेटे? हम तो बिजनेस करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये भी हमारे साथ बिजनेस करते हैं। लड़की बालों की तरफ से पूछताछ यही कर रहा है। आप लोग कुछ लेते क्यों नहीं? लीजिए ना, ये लीजिए। नहीं, मैं तो लड़की को देख के मुंह मीठा करूंगी। इसे काला टीका लगा दे नीमा। माँ फिक्र मत कर बेटी, आज से तेरी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। तुम तो बहुत होशियार हो बेटे। ये तो बचपन से ही बहुत होशियार था। अच्छा? पढ़ाई में भी बहुत तेज है, अपनी तरह नहीं मैट्रिक पास। अरे पढ़ाई में तो हमारी रेवती बेटी अभी बहुत होशियार थी। हाँ, लेकिन दीदी को फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी। क्या करती हूँ अब? कुछ नहीं। अरे कुछ लीजिए ना, आप लोग तो कुछ ले नहीं रहे। भाई मैंने तो बहुत कुछ ले लिया है। वैसे गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है। कहाँ से मंगाए? यहीं पास में से। अच्छा। मेरा तो पेट भर गया है कुछ गुलाब जामुन से और कुछ इस छुटके की मजेदार बातों से। अरे कबीर बेटे, अगर कुछ पूछना पूछना हो तो पूछ लो। रेवती बेटिया से बस बहुत देर हो गई, अब चलते हैं। अच्छा बेटी। अच्छा तो चलते हैं फिर। मैं लोगों को बाहर तक छोड़कर आता हूँ। आइए। आओ बेटे। अच्छा बाबा जी, तो आप चलते हैं। अब आपका फैसला। अब ये तो ये जाने जो फैसला करे। मामा जी, आपने ये तो नहीं बताया था कि ये डिफेक्ट इतना है? अब मैंने कहा तो था बेटे। नहीं मामा जी, ये डिफेक्ट कुछ ज्यादा है। मामा जी आराम, चलते हैं चलते हैं भाई, चलो ना। आओ आओ बेटे, आओ आओ चलो। भाई साहब चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। शायद इसी में कोई भलाई होगी भाई साहब। हो सकता है कि हमारी बिटिया को इससे भी अच्छा लड़का मिल जाए, या शायद वही भली चंगी हो जाए। बेटे माँ, मुझे कुछ मत कहना प्लीज। नहीं बेटे, मुझे मालूम है क्या हुआ, मुझे अकेला छोड़ दो और फिर कभी अपने अपन हालत की नुमाइश करने को मत कहिएगा प्लीज माँ। क्या बात है तनुजी? एक बड़ा अजीब सा खत आया है। किसका है? नाम है रेवती शर्मा, अपाहिज है बेचारी, उसकी दोनों टांगे बेकार हो गई हैं। लेकिन तनुजी, अपाहिज होना अपने आप में कोई इतना बड़ा श्राप तो नहीं है? श्राप ना सही, लेकिन अपाहिज औरों पर डिपेंडेंट तो हो ही जाते हैं। वैसे देखा जाए तनुजी तो हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही तो हैं। वो बात और है, अपाहिज ज्यादा जज्बाती होते हैं, उनके दिल पर ठेस जल्दी पहुंच जाती है। पर तनुजी, वो लोग समझदार भी ज्यादा होते हैं और अपनी कमी को पूरा करने के लिए
उनमें आम लोगों से ज्यादा लगन होती है। और फिर आजकल तो सरकार ने ऐसे कई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल रखे हैं जिसके जरिए इन लोगों को उनकी कैपेसिटी के मुताबिक काम दिया जाता है। हिम्मत और हौसला हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। रेवती से मिलते हैं। कुछ दिन बहुत तेज बुखार रहा और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती मेरी जिंदगी ही बदल गई। इस बिचारे का क्या दोष था जो इसे ये सजा मिली। बस तनु जी, अब हमारी तो यही कोशिश है कि जल्दी से इसकी शादी हो जाए ताकि ये अपना घर बसा सके। बस अब इसके लिए एक सहारे की तलाश है। माफ कीजिएगा, लेकिन पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग इस पर तरस खाना छोड़ दीजिए। जी 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 हाँ, अगर आप लोग इस तरह की बातें करते रहेंगे तो इसमें हिम्मत कहां से आएगी। और यही राय मैं तुम्हें भी देना चाहूंगी रेवती, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैं समझ सकती हूँ। बहुत सहा होगा तुमने, लेकिन निराश होकर तो कुछ नहीं हो सकता। कुदरत के इस खेल को कबूल करना होगा, आगे के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन क्या? कुछ ऐसा कि ये अपना सहारा खुद बन सके। इसकी शादी करवा देना तो ऐसा हुआ जैसे अपना बोझ किसी और के कंधों पर डाल दिया। बिल्कुल, और फिर हमें तो कुछ ऐसा करना है जिससे रेवती अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके, बल्कि भाग सके, दौड़ सके, उड़ सके। और फिर भाई साहब, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इसमें हमारी मदद करेंगी। अच्छा? हाँ, बस साथ देना होगा रेवती को। क्यों रेवती, साथ दोगी ना? आप ठीक कह रही हैं जी, मुझे अपने आप पर और दूसरों को मुझ पर तरस खाना छोड़ना होगा। दिखाई दे रहे हैं उन्होंने जन्म से या बड़े होने के बाद अपने जिस्म के किसी अंग को इस्तेमाल करने की शक्ति खो दी है। ये सब यहाँ मिलकर काम करते हैं। आओ तुम्हें आगे दिखाएं। यहाँ काम करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 0 है। आप अनपढ़ हो तो भी यहाँ आ सकते हैं। 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद ये कोशिश की जाती है कि किसी फैक्ट्री, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में पक्की नौकरी मिल जाए। लेकिन जया जी, अच्छे भले लोगों को नौकरी मिलनी मुश्किल है, फिर अपाहिजों को कौन पूछता है? अरे नहीं, कई ऑफिसेज में तो अपाहिजों के लिए खास जगह रखी जाती है। यहाँ हर तरह से इनकी मदद की जाती है। और देखना चाहोगी? कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जाती है? हाँ, इनकी समस्या दिमागी नहीं है, शारीरिक है। रेवती, तुम देख रही हो, हैंडीकैप्ट लोगों को उनकी कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग किस्म के काम सिखाए जाते हैं ताकि काम सीखकर वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके, दूसरों पर बोझ ना बने। जया जी, आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? आपको इन लोगों में दिलचस्पी कैसे है? मैंने SNDT यूनिवर्सिटी से स्पेशल एजुकेशन का कोर्स किया है,
टीचिंग तो ये भी है, लेकिन ये कहो कि खास लोगों के लिए खास टीचर्स देने। खास लोगों के लिए? हाँ भाई, तुम्हारे जैसे खास लोग जो आम लोगों से हटकर हो। हाँ, इस कोर्स में हमें सिखाया जाता है हैंडीकैप बच्चों को संभालना, पढ़ाना, उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हें ट्रेनिंग देना और उन्हें इस काबिल बनाना कि आगे चलकर वो समाज में अपनी जगह बना सकें। क्या इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है? हाँ, वो तो जरूरी है। माँ, पिताजी, माँ, क्या हुआ? पता है, बहुत सारी चीजें हैं करने को। मैं तो यूं समझ बैठी थी कि जिंदगी बेकार चली जाएगी। शाबाश बबलू, अब तुम भी तैयार हो जाओ। किस लिए? इस साल तुम्हारा कंपटीशन मेरे साथ है। ये हुई ना बात। मैं भी इस साल एसएससी का एग्जाम दूंगी और फिर मैं एफपीएच में ट्रेनिंग लूंगी और बीए भी प्राइवेटली पास कर लूंगी। अच्छा, और फिर मेरी ग्रेजुएट बेटी क्या करेगी? अपने जैसे औरों को सिखाने की तैयारी। मैं स्पेशल एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करूंगी। अच्छा माँ। भैया, आप लोग जा रहे हैं? हाँ रेवती, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। बाय बबलू। पिताजी, फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनूंगी, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी रहूंगी। रेवती, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो हिम्मत आप लोगों ने मुझे दी है उसे मैं औरों में बांटना चाहूंगी जो मेरे जैसे हैं। न जाने कितनों ने मेरी तरह हिम्मत हार दी होगी। इसलिए तनु जी, मैं हैंडीकैप बच्चों के लिए एस एन ए डी का वो कोर्स करूंगी। जय दीदी की तरह हैंडीकैप लोगों के लिए काम करूंगी। इतना सब कुछ तुम करोगी रेवती? ऑफकोर्स अजीत साहब, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा तो उठने का मन कर रहा है, दौड़ने का मन कर रहा है। तो फिर दौड़ो ना, डर किस बात का।